हेलो बच्चों, मैं आधुनिक इंटर कॉलेज भिटरिया से हिंदी प्रवक्ता आचार्य केएल गुप्ता आपको रस के विषय में बता रहा हूं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद, किंतु हिंदी साहित्य में रस का शाब्दिक अर्थ आचार्यों ने आनंद बताया है। इस प्रकार से रस की परिभाषा बनती है किसी काव्य को पढ़कर, नाटक आदि को देखकर अथवा किसी दृश्य को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के मुख्य रूप से चार अंग होते हैं। रस का पहला अंग होता है अस्थाई भाव। अब आप जानिए अस्थाई भाव किसे कहते हैं। अस्थाई भाव की परिभाषा होती है आश्रय के मन में ऐसे भाव जो अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। रस की उत्पत्ति के पहले अस्थाई भाव ही आता है, क्योंकि अस्थाई भाव के द्वारा ही रस की उत्पत्ति होती है। और जब तक रस के चार अंग नहीं मिलेंगे तब तक किसी भी रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आपको रस के चारों अंगों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जैसा कि हमने बताया अभी आपको, पहला रस का पहला अंग होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की परिभाषा होती है कि जो आश्रय के मन में ऐसे भाव जो अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। इसी प्रकार से रस का दूसरा अंग होता है विभाव। विभाव किसे कहते हैं। विभाव की परिभाषा होती है कि जिसके द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जो अस्थाई भाव को उत्पन्न करता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद बताए गए हैं, नंबर एक आलंबन विभाव, नंबर दो उद्दीपन विभाव। अब आप ये जानिए आलंबन विभाव किसे कहते हैं। आलंबन का मतलब होता है आश्रित होना। आलंबन विभाव की परिभाषा बन जाती है कि जिस पर अस्थाई भाव आश्रित होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी दो भेद बताए गए हैं, पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। ये आलंबन विभाव के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय पर ही आलंबित रहता है और आश्रय विषय पर विभाव आलंबित रहता है। इसलिए आश्रय और विषय को आलंबन विभाव कहा जाता है। आश्रय किसे कहते हैं, अब हमें यह जानना परम आवश्यक है। आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय की परिभाषा हमने क्या बताया बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। और विषय किसे कहते हैं।
विषय कहा जाता है जिसके द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे विषय कहते हैं। तो आलंबन विभाव के दो भेद, आश्रय और विषय, इनके विषय में आपको जानकारी हो गई होगी। अब आप आइए अनुभव। तीसरा रस का तीसरा अंग होता है अनुभव। अब मन होता है अपने आप स्वतः अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर और विभाव आने पर अपने आप स्वतः हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होता है, अपने आप विकार उत्पन्न होने लगता है, उसे अनुभव कहते हैं। जैसे भय के कारण शरीर में कंपन होने लगता है, अभी आप बैठे हैं और अचानक सिंह आ जाए या अचानक आपके पास सर्प आ जाए, विषैला सर्प आ जाए, उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाए, मतलब आपका चेहरा ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आप पूरी तरह से भयभीत हैं। तो जो भय नामक अस्थाई भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ है, वही भय नामक अस्थाई भाव आपके शरीर के अंगों के द्वारा हरकतें पैदा कर देता है, उसी को अनुभव कहते हैं। अनु माने अपने आप, जो अपने आप स्वतः हमारे अंगों के द्वारा शरीर के द्वारा प्रारंभ हो जाता है, उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव को हिंदी के आचार्यों ने अनुभव को चार भागों में विभाजित किया है। पहला कायिक अनुभव, दूसरा मानसिक अनुभव, तीसरा होता है आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। ये चार प्रकार के अनुभव हिंदी के आचार्यों ने बताया है। और इसके बाद में रस का चौथा अंग बताया गया है, संचारी भाव। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बतलाई गई है, जैसे हर्ष, विषाद, जड़ता, उग्रता, शोक, इस प्रकार से संचारी भावों की संख्या 33 होती है। 33 संचारी भावों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे और उनके 33 नामकरण किए गए हैं, जो 33 संचारी भाव होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी रस की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब ये रस के चारों अंग आपस में मिलते हैं, तो रस की उत्पत्ति होती है। अब आप लोग रस के विषय में जान चुके होंगे कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी हमने आपको रस नहीं पढ़ाया है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं रस के अंग। क्योंकि किसी भी रस की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब उसके चारों अंग मिलते हैं। रस के चारों अंग के मिश्रण से ही रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए रस को पढ़ने के पहले ही आपको उन चारों अंगों के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है।
हिंदी के आचार्यों ने नौ अस्थाई भावों को बतलाया है और इन नौ अस्थाई भावों के द्वारा नौ रस की उत्पत्ति होती है, लेकिन बाद में दो रसों को हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों ने, आचार्यों ने दो रसों को और भी सम्मिलित कर लिया है। जैसे पहला रस होता है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। जब आश्रय के मन में रति नामक अस्थाई भाव आता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और यही रति तीन प्रकार की होती है। एक पुत्र विषयक रति होता है और एक नायक और नायिका कि हृदय में जब रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो एक वो रति होता है और एक जब कोई भक्त ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर से स्नेह करता है, ईश्वर से लगाव रखता है, उसकी आराधना में लगा रहता है, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रेम में मगन रहता है, तो वहां पर भी रति होता है और वो रति देव विषयक रति कहलाता है। जो देव विषयक रति होता है वो भक्त रस की उत्पत्ति करता है और जो नायक और नायिका के हृदय में रति नामक अस्थाई भाव जो उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। और जब कोई माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है, जब एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है तो वहां पर भी रति होता है। रति का वास्तविक अर्थ होता है प्रेम, स्नेह करना, उसे रति कहा जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कि जब एक माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है तो वहां पर उत्पन्न हुआ रति वात्सल्य रस की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार से आप रस के अंगों के विषय में जाने, रस के चार अंग होते हैं। पहला अंग अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा अंग संचारी भाव। अस्थाई भाव की परिभाषा हमने विस्तृत रूप से पहले ही आपको बता दिया है। जो आश्रय के हृदय में अस्थाई रूप से जो भाव विद्यमान हो जाते हैं, अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव की परिभाषा हमने बताया है, जिसके द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। और विभाव के दो भेद लिखे हुए हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की परिभाषा हमने बताया है कि जिस पर अस्थाई भाव आश्रित रहता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के दो भेद बताए गए हैं, आश्रय और विषय। आश्रय, आश्रय वो होता है जिसके अंदर अस्थाई भाव आता है, और विषय, विषय उसे कहते हैं जिसके द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से अब उद्दीपन विभाव, विभाव के दो भेद, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं ये हमने अभी आपको नहीं बताया। देखिए उद्दीपन विभाव
जो अस्थाई भाव को और भी उत्तेजित कर दे। ऐसे कारक, ऐसा वातावरण जो अस्थाई भाव को उत्तेजित कर देता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका किसी निर्जन स्थान पर बैठे हैं, निर्जन स्थान, वहां पर और कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पर नायक है और नायिका है, तो वो जो निर्जन स्थान है वो एक प्रकार से नायक और नायिका के हृदय में उत्पन्न रति नामक अस्थाई भाव को वो निर्जन स्थान जहां पर कोई नहीं है, वो नायक और नायिका को उत्तेजित कर देता है। ऐसे कारक को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। और फिर तीसरा अंग अनुभव। अनुभव के चार भेद, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव जो हमारे अंग के द्वारा, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो विकार उत्पन्न होने लगता है वो कायिक अनुभव कहलाता है। मानसिक अनुभव जो हम मन मस्तिष्क में चिंतन करते हैं, मन मस्तिष्क में जो चिंतन होता है वो एक प्रकार से मानसिक अनुभव होता है। मन में विकार उत्पन्न होता है, कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, मन में जागृत होती है। ऐसे अनुभव को मानसिक अनुभव कहा जाता है। और आहार्य अनुभव जो हम धारण करते हैं, वेशभूषा, वस्त्र, अच्छे वस्त्र धारण कर लिए, या किसी भी जिस प्रकार का हम वस्त्र धारण करते हैं और उस धारण की वस्त्र को देखकर अगले पर जो प्रभाव पड़ता है, जब अगले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है तो वो आहार्य अनुभव होता है। यानी उसके जो धारण किए गए वस्त्र सुसज्जित जो है, उसकी साज सज्जा, सुंदरता, नायिका आभूषण धारण करती हैं, आभूषण भी आहार के अंतर्गत आता है, श्रृंगार करती हैं, तो ये आभूषण से जो सुसज्जित होते हैं, आभूषण के द्वारा जो श्रृंगार करती हैं, जो अपने अंग पर धारण करती हैं, उसका नायक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो इस प्रकार से नायक पर प्रभाव पड़ता है, इसी को कहा जाता है आहार्य अनुभव। और एक सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव, ये सात्विक अनुभव होता है जब कोई भक्त ईश्वर से स्नेह करता है, ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर में ही लीन रहता है, तो उसके आध्यात्मिक जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि रस के कितने अंग होते हैं और इन अंगों की क्या परिभाषाएं होती हैं। अब हम इसके बाद आपको 11 प्रकार के रसों के विषय में आपको बताएंगे और इन रसों का उदाहरण भी आपको हम प्रस्तुत करेंगे। रस की आप पहचान कैसे करेंगे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसकी पहचान आप तभी कर सकते हैं जब आपको रस के अंगों के विषय में विस्तृत रूप से ज्ञान होगा। जब तक आप रस के अंगों के बारे में नहीं जान सक पाएंगे तब तक आप रस की पहचान नहीं कर सकते।
रस की पहचान करने के पहले हमें काव्य की पंक्तियां पढ़ना पड़ता है। काव्य की पंक्तियां हम पढ़ते हैं, इसके बाद में फिर अनुभव करते हैं कि इसमें किस प्रकार का स्थायी भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, और जैसा स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी के अनुरूप रस की उत्पत्ति हो जाती है।